वालेकुम सलाम भजन, ये एक चीज मैंने मंगवाई है, चाइना से ऑर्डर की है। अब गेस करो ये क्या चीज है, चेक करो जरा। अब देखो ये इसको यहाँ पे लगाते हैं, अब देखो ये क्या चीज बनेगी। ये लोहे की टोपी मंगा ली आपने? ये लोहे के इसके एंगल्स हैं, एंगल्स ऐसा लगेगा। अब ये क्यों लगेगा? नहीं मुझे तो नहीं पता। ऐसे ये 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 लगेगा, ये ऐसे। चलो गैस करो, केड़ी चीज है ये? फायर में चम्मच का आंटी ला रहे हैं। अच्छा, पर से झुकया ही नहीं है। ओ मैं आप ही रखे है यार, जो इधर रखो ना। ए याद है हमने बहुत अरसा पहले एक बाइक ली थी? हाँ, ये उसके लिए मंगवाया है। वो जब तेज स्पीड में जाती थी ना रनिंग में, कावासाकी। कावासाकी का, कावासाकी 400 सीसी वाली, 450 फ्यूल सिलेंडर यानी है। ओ यार सारी बातें छोड़ो यार, काशी भाई आइडिया आ गया। क्या यार आइडिया ये है कि यार तुसी एंडिया शैवा मंगा मंगा के थक नहीं जाते? यार मेरे पास एक आइडिया ऐसे आया है कि ना, हम ना आपकी वो जो आपने 4 साल पहले बाइक ली थी कावासाकी, हाँ जी, 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर वाली, यस, उसको मॉडिफाई करते हैं बाइक को। यार इतनी गाड़ियां मॉडिफाई, बाइक को क्या मॉडिफाई करते हैं? यार इतनी जेंगो चीज है आपके पास, यार आपने क्या इसको कूड़ा बनाया हुआ है। यार काशी भाई इसको मॉडिफाई करते हैं यार, बड़ी देख ली गाड़ियां, बड़ी कर ली मॉडिफाई, इस दफा ये मॉडिफाई करते हैं यार। यार बाइक में बहुत मजे की है, बहुत मजे की बाइक है। इसकी स्पेसिफिकेशन पता है क्या है? नहीं ये मुझे तो, ये बाइक है कावासाकी 440 सीसी। ये पाकिस्तान में बहुत रेयर है, मेरे ख्याल में ये एक वन एंड ओनली बाइक होगी पूरे पाकिस्तान में। अवान टाउन में? नहीं नहीं पूरे पाकिस्तान में भाई, नहीं होता, नहीं बोले ना, अवान टाउन में। हाँ अवान टाउन में, ये पाकिस्तान में सिर्फ एक बाइक है मेरे पास, इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये 450 सीसी बाइक है और ये ड्यूल सिलेंडर में आती है। आप देख सकते हैं इसके दो सिलेंडर हैं, जैसे आप मेरे कैमरा मैन इधर आके दिखाएं नीचे। ये ड्यूल सिलेंडर बाइक है, इसके दो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, एक इस साइड पे लगा हुआ है और एक इस साइड पे लगा हुआ है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। और इसका इंजन बहुत हैवी इंजन है और ये 450 सीसी में आती है, सॉरी 440 सीसी में बाइक ही आती है। लेकिन अभी तक इसकी आप कंडीशन देखें, बहुत रफ कंडीशन में है बाइक। इसको सोच रहा हूँ मैं, अभी आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि इसको हम तैयार करवा लें। इसको हम करवाएंगे क्या? ये अभी तो सारी बिल्कुल, इसकी तो कंडीशन बड़ी खराब है। इसकी चाबी लेके आओ मनीष। सबसे पहले इसकी हम खोलेंगे टैंकी, ठीक है? आइडिया ट्रैक्टर साहब आए हैं, इसकी हम खोलेंगे टैंकी, ठीक है? उसको हम देंगे डबल शेड पेंट के लिए, टैंकी को। हाँ टैंकी को, मगराट को, और बस टैंकी और मगराट जो है डबल शेड पेंट में कराएंगे। जो जैसे वो पर्पल और वो मेरून शेड, यानी कि लाइट पड़े यहाँ से, कोई और पेंट है यहाँ से, कोई और। दूसरा हम इसके जितने भी क्रोम पार्ट है, चाबी लेके अभी इसको चेक करते हैं कि इसकी कोई लाइट शाइट ऑन होती भी है या नहीं। इसको चाबी लगा के दिखाता हूँ। माइक में आवाज आ रही होगी आपको गाइस, लाइट ऑन कर रही है। बड़े ही काम। वो इसके टायर तो देखें आप, अभी लोग आजकल तैयार करवा रहे हैं बाइकें 125 या ये जितने भी ये सुजुकी की आजकल चल रही हैं, इसको कैफे रेसर बनाने की कोशिश करें। ये ओरिजिनल जापानीज कैफे रेसर बाइक है।
या फिर ऐसा नहीं है, ये हार्ले डेविडसन को टक्कर देने वाली बाइक है। नहीं हाँ वो आ गया, बिल्कुल भी टक्कर दे सकती है, लेकिन अभी ये ओरिजिनल कैफे रेसर बाइक है। इसको इसकी टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है और अभी तो इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। या इसकी टूटू तो बंद करें प्लीज। ये क्या किया आपने? बर्नआउट मार दिया आपने। लेकिन ये अगर इसके छोटे-छोटे पार्ट्स, लेकिन सबसे पहले आप इसकी टैंकी खोलो, ये मगराड़ खोलो, इसको डबल शेड पेंट के लिए दे दो। सारे भी दोबारा क्रोम हो गए कि आप इसके डिस्क देख रहे हो, इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ना मुझे डस्ट सा नजर आ रहा है। अब इसके अंदर ना ये शेड और ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली शेड करवाएंगे। ये नहीं लाइन नहीं है, यहां से सिर्फ शेड और ये ब्लैक है। तो बस यार मैंने सोच लिया, ये कमेंट में सब बताएंगे कि इस बाइक को मॉडिफाई करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर आप लोगों की फरमाइश होगी तो ही इसको मॉडिफाई करवाएंगे, वरना मैंने तो ये कब से खड़ी की हुई है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। बाकी आप इसकी लुक देखें, लुक देख के बताएं कि ये अभी कैसी लग रही है और तैयार होके कैसी लगेगी। वैसी लगेगी, वैसी। इसका इंजन वगैरह दिखाओ मेरे कैमरामैन। कैमरामैन जल्दी फोकस करें। कैमरामैन लगता है विदाउट फ्लैशलाइट वीडियो बना रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये स्टार्टअप है, चलता है। मैंने वीडियो मैंने एडिट भी नहीं करनी, मैंने वैसे ही सेम टू यू करके अपलोड कर देनी है। तो गाइस आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि ये बाइक काशी भाई को मॉडिफाई करानी चाहिए कि नहीं, कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो ठीक है काशी भाई, अब मैंने इनको कह दिया, अब आपको ये कमेंट 3-4-5 जितने भी आए फर्स्ट है ना तो अगर जितने भी कमेंट आएंगे देखते हैं ना, अगर तो लोगों को शौक है ऐसी बाइकों का देखने का, तो फिर हम इसके ऊपर कॉन्टेंट लेके आएंगे, इसको तैयार करवाएंगे, इसकी जितनी भी चीजें हैं सबको नया करवाएंगे, जो क्रोम वाली चीजें उसको क्रोम में करवाएंगे, तो ये मॉडिफाई होनी चाहिए भाई, भाई कमेंट आन ना आन है होनी चाहिए। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ये जरा हो जाएगी। तो ओके बाय, तब तक के लिए पीस आउट।